बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 टेंथ क्लास मैथमेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉन्ग पेपर में आता है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कहा जा रहा है रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हुए सबसे पहला स्टेप आप ये चेक करते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो यहां पर ऊपर डिग्री कितनी है 4, और नीचे डिग्री कैसे मालूम करेंगे आप, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। एक्स की पावर 4+1 लिखा है ना, डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दें, एक्स की पावर 3 - x की पावर 2 बन जाएगा। अब ऊपर हाईएस्ट पावर 4 है, नीचे हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब ऊपर डिग्री 4 नीचे डिग्री 3। जब भी ऊपर डिग्री बड़ी हो नीचे डिग्री छोटी हो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इसको प्रॉपर बनाना होता है। कैसे प्रॉपर बनाते हैं, इसको डिवाइड करके। तो बच्चों आप क्या करेंगे, x की पावर 4+1 यहां लिखिए और यहां पर लिखिए x की पावर 3 - x की पावर 2। तो आपने इसको करना है डिवाइड। डिवाइड करना बहुत ही आसान है, क्या करना है आपने, ये देखना कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये शुरू वाला, ये आप इसके फर्स्ट पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करो तो ये इस जैसा बन जाए, ठीक है। तो अंडरस्टूड सी बात है, एक्स के क्यूब को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की पावर 4 बन जाएगी। तो x से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x की क्यूब माइनस x की पावर 2, x से करिए इसको मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, x की पावर 4 - x की पावर 3, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम x और यहां लिख देंगे x की पावर 4 - x की पावर 3, राइट, ओके। उसके बाद क्या करते हैं आप जानते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करने के लिए साइन चेंज करना पड़ता है, ये पॉजिटिव था तो माइनस कर दिया, ये माइनस था तो प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये कट जाएंगे दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव कट गए, यहां पर प्लस का 1 बचा, ठीक है, और यहां पर क्या आया हमारे पास, प्लस का x की पावर 3, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैं इसको रीअरेंज करके यूं लिखता हूं, x की पावर 3+1, क्योंकि हमें इस तरह से सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके फर्स्ट पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके फर्स्ट पार्ट जैसा मिल जाए, ये तो ऑलरेडी सेम टू सेम है, तो सिंपली आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, ठीक है। यहां पर लिखूंगा प्लस का 1, ठीक है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम टर्म मिलेगी, x की पावर 3 - x का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इन दोनों को आप माइनस करो ना बच्चों, यहां पर साइन नेगेटिव कर दिया और यहां पर पॉजिटिव, क्योंकि जब भी माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये बचेगा हमारे पास ये प्लस का 1 और यहां पर प्लस का x की पावर 2, ठीक है। तो अब आपने इसको किस तरह से लिखना है, जो प्रॉपर तरीका होता है, मेथड होता है उसको लिखने का, वो ये होता है, आपने पहले आंसर लिखने x+1, ठीक है, प्लस आप एक पार्ट ये नीचे नजर आ रहा होगा, एक आपको ये ऊपर नजर आ रहा है, तो आपने नीचे वाले को ऊपर लिखना है और ऊपर वाले को नीचे लिखना है, x की पावर 3 - x का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर लिखेंगे 1 + x की पावर 2, ये आपने इसको प्रॉपर में चेंज कर दिया। अब देखिए ये जो है ना, ये क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है, इसको आप छोड़ देंगे, ये फ्रैक्शन है हमारी, ये वाले, तो आप इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, इसके इक्वल लिख देता हूं, यहां पर दिस इज इक्वल्स टू x+1 + 1 + x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 3 - x की पावर 2, ठीक है। तो आपने बच्चों इसको करना है जी सॉल्व, चलिए टेक दिस पार्ट, ठीक है, 1 + x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब जो डिनोमिनेटर है क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही हमें ये मिला था, तो वापस हम उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं x² × x - 1, ठीक है। इसको हम यू भी लिखें तो ज्यादा आसानी होगी, ज्यादा अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। x की डिग्री क्या है, 1, और उसका स्केयर मतलब x अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहां पर x - 1 ये भी एक लीनियर है, ठीक है। तो यहां पर लीनियर और रिपीटेड का केस है, क्योंकि बच्चों एक्स का स्केयर है ना, उसको हमने लिखा है x की पावर 1 × x की पावर 1, ठीक है, तो ये इक्वल होता है x की पावर 2 के, ये भी एक लीनियर, ये भी एक लीनियर, दोनों रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी हमें क्वाड्रेटिक नजर आता है हम उसको फैक्टराइज करते हैं, अगर वो लीनियर में चेंज हो जाए तो हम उसको लीनियर ही कंसीडर करते हैं। तो आपने x² दे के फौरन से क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर देना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक रिड्यूसेबल है, तो हम इसको लीनियर के केस में ही लेंगे, तो ये लीनियर अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, देखिए सबसे पहले जो चीज रिपीट हो रही है, a के नीचे लिखें आप x को, ठीक है, इसकी डिग्री 1 रखें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जो लीनियर रिपीट कर रहा है उसको पावर 1 के साथ लिखें, फिर नेक्स्ट टाइम आप उसको पावर 1 इंक्रीज कर दें, यानी x की पावर अब आप
टू लिखें और तब तक इंक्रीज करते रहे जब तक इसकी ये वाली पावर ना आपको मिल जाए। तो दो तक की है तो पावर वन पावर टू यही पे रुक जाएंगे। उसके बाद आपको एक और लीनियर यहां पे नजर आ रहा है, इसको आप सी के नीचे लिख देंगे, ठीक है, एक्स माइनस वन। ये आ गया जी आपका इक्वेशन नंबर वन, जो आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। बच्चों फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब आपने क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है, हर क्वेश्चन में आप ऐसे करते हैं रिजॉल्विंग टू पार्शियल फ्रैक्शन के केस के अंदर, कि जो भी क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है फार्मूला अप्लाई करने के बाद पूरी इक्वेशन से आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या है डिनोमिनेटर, एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, तो लिखता हूं एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय, ये लिखे आप वन प्लस एक्स का स्क्वायर, इसके नीचे क्या था एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। इसी तरह से ए से भी मल्टीप्लाई करें, एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय ये वाला एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस बी इंटू आ जाएगा यहां पर बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह बच्चों आप सी के साथ भी करेंगे, सी इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन एंड डिवाइडेड बाय क्या था एक्स माइनस वन, ठीक है। तो देखिए जो इसके नीचे लिखा था वो भी हमने साथ साथ लिखते गए। अब क्या करेंगे, ये x का स्केयर इस x के स्केयर से कैंसिल, x माइनस वन इस x माइनस वन से कैंसिल, ये x है ऊपर x का स्केयर है तो स्केयर खत्म हो जाएगा, x बच जाएगा, यहां x का स्केयर इस x के स्केयर से कट जाएगा, x माइनस वन की ब्रैकेट x माइनस वन की ब्रैकेट से कट जाएगी, यहां पर क्या बचा बच्चों हमारे पास वन प्लस एक्स का स्केयर इज इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में कट गई हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर टू आ गई। कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, आप जानते हैं कि हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है, वो वैल्यू फाइंड करने के बाद हम यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है, और यही हमारी पार्शियल फ्रैक्शन होती है, राइट। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए इनके नीचे पड़े हुए जो लीनियर है उनसे आपने x की वैल्यू निकालते हैं, वो इक्वेशन टू में पुट करते हैं, उससे आपको ab की वैल्यू मिलती है। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ x लिखा हुआ है, तो बच्चों मैं इसको अगर यू लिखूं x माइनस या प्लस जीरो कर दें, ठीक है, तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता ना, x ही माना जाएगा ना, इसको आपने जीरो के इक्वल रखा तो x की क्या वैल्यू मिलेगी आपको, जीरो। तो ये वैल्यू x इक्वल टू जीरो आप इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू में पुट करें, जहां जहां एक्स है वहां जीरो पुट करें, प्लस जीरो पुट कर दिया उसका स्क्वायर ए इंटू जीरो इंटू जीरो माइनस वन प्लस बी इंटू जीरो माइनस वन प्लस सी इंटू जीरो का स्क्वायर। अब देखिए जीरो मीन जीरो, यहां पर सिर्फ वन रह गया, ए को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, फिर जीरो को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया पूरे का पूरा जीरो, प्लस देखिए ये जीरो माइनस वन का मतलब माइनस वन, माइनस वन को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस बी मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट माइनस बी ही लिख देता हूं। तो जीरो का स्केयर जीरो होता है, जीरो को सी से मल्टीप्लाई करो अगेन जीरो मिलेगा आपको, ठीक है। तो वन इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का बी, अगर आप दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यानी आपके पास बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का वन आ गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने निकालनी है यहां पर बाकियों की वैल्यू। अब एक हमें ये भी लीनियर नजर आ रहा है एक्स माइनस वन, इसको रखते हैं जी इक्वल टू जीरो, x माइनस वन को इक्वल टू जीरो रखा तो यहां से बच्चों क्या मिलेगी x की वैल्यू प्लस का वन मिलेगी, ठीक है, माइनस वन इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का वन, सो x इज इक्वल टू प्लस वन आया, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन टू में पुट करेंगे, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर टू। तो हमने इसकी जहां x नजर आएगा वहां वन पुट करना है, वन प्लस x का स्केयर की जगह वन का स्केयर लिखा, a इंटू वन इंटू वन माइनस वन प्लस बी इंटू वन माइनस वन प्लस सी इंटू वन का स्क्वायर। अब वन माइनस वन क्या होता है जीरो, जीरो को बी से मल्टीप्लाई किया पूरे का पूरा जीरो, वन माइनस वन क्या होता है जीरो, जीरो को वन से मल्टीप्लाई किया जीरो, फिर ए से मल्टीप्लाई किया जीरो, तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास जीरो, जीरो और यहां पर अगेन यहां फिर जीरो हो गया, प्लस यहां पर सी मिलेगा आपको, यहां पर क्या मिलेगा वन प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है, वन प्लस वन कितना होता है बच्चों टू, 2 is equal to c, तो आपके पास c की वैल्यू आ गई 2। अब a की वैल्यू भी हमें मिल गई, सॉरी b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई, हमें चाहिए अब a की वैल्यू, लेकिन कोई और लीनियर हमारे पास ऐसा बचा नहीं है डिफरेंट जिसको हम पुट करें तो हमें इसकी वैल्यू भी मिल जाए। तो फिर हम क्या करेंगे कोफिशियंट कंपेयर करेंगे, कैसे कोफिशियंट कंपेयर करने हैं बच्चों,
सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर, ये जो इक्वेशन नंबर टू है, यहां लिखे, यहां पर लिखता हूं मैं इसको, वन प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस सॉरी एक्स का स्केयर आ जाएगा यहां पर, सी एक्स का स्केयर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए वन प्लस एक्स का स्केयर इज इक्वल टू ए, एक्स को मल्टीप्लाई कर दे इनसाइड, क्या बन जाएगा एक्स का स्केयर, और एक्स को वन से मल्टीप्लाई करें माइनस का एक्स आ जाएगा, ठीक है, बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स का स्केयर, वैसे लिख दिया। अब आप ए को इनसाइड मल्टीप्लाई करें, बी को भी इनसाइड मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये क्या बन जाएगा वन प्लस एक्स का स्केयर ए एक्स का स्केयर माइनस ए एक्स, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी को दोनों से मल्टीप्लाई करें, बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स का स्केयर यहां रह गया। अब क्या करना बच्चों, आपने यहां पर जो भी आपको एक्स स्केयर वाली टर्म मिल रही है उनको स्टार्टिंग में लिखें, ए एक्स का स्केयर ये है और ये वाली भी एक्स स्केयर है प्लस सी एक्स का स्केयर, ये भी इस्तेमाल होगी। उसके बाद फिर एक्स वाली टर्म में लिखें, यहां पर ये आपको बी एक्स नजर आ रहा होगा और ये भी नजर आ रहा है माइनस ए एक्स। उसके बाद आपने इन दोनों को लिख लिया। अब आप देखिए कौन सी ऐसी टर्म है जो आपको कॉन्स्टेंट मिल रही है, वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ माइनस का बी है, ठीक है, तो वन प्लस एक्स का स्केयर। अब जो एक्स स्केयर वाली है इनसे एक्स स्केयर कॉमन ले लें, जो एक्स वाली है इनसे एक्स कॉमन ले लें, ठीक है, तो मैं यहां पर एक्स का स्केयर कॉमन ले लेता हूं, क्या बचा ए प्लस सी, यहां से एक्स कॉमन ले लें, क्या बचा बी माइनस ए, ठीक है, और माइनस का बी, दैट इज इक्वल टू वन प्लस एक्स का स्केयर। अब बच्चों कोफिशियंट कैसे कंपेयर करते हैं, कोफिशियंट मैंने बताया था कि ए बी सी के जो हमारे पास होते हैं वेरिएबल, इनके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो क्या होता है हमारे पास कॉन्स्टेंट कोफिशियंट होता है, ठीक है, तो एक्स स्केयर के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसका कोफिशियंट है, और इधर एक्स स्केयर के साथ कुछ भी नहीं तो मतलब यहां पर वन है, ठीक है, तो एक्स स्केयर के कोफिशियंट को इधर एक्स स्केयर के कोफिशियंट के बराबर लिखेंगे, इसको बोलते हैं कोफिशियंट कंपेयर करना। इधर एक्स स्केयर के साथ क्या लिखा हुआ है वन, इधर एक्स स्केयर के साथ क्या लिखा हुआ है ए प्लस सी, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है, जिसे आपने वैल्यू निकालनी है। इसी तरह से आप बाकी भी कंपेयर करना चाहें तो कर लें, हमारे क्योंकि यूज में यही आएगा तो हम यहीं तक करेंगे। इसको हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है, अब हमें हमारे पास बी की वैल्यू भी है सी की वैल्यू भी है, ठीक है, वन इज इक्वल टू हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो सी की वैल्यू हमें यहां पर पुट करनी पड़ेगी, सी इज इक्वल टू प्लस टू, ठीक है, तो ए इधर ही रहेगा, वन माइनस टू तो क्या बन जाएगा माइनस का वन इज इक्वल टू ए, इस तरह से हमें ए की वैल्यू भी मिल गई। अब ए बी सी तीनों वैल्यूज आ गई, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन में ये वैल्यू पुट करेंगे, बच्चों ए की जगह क्या आएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय उसके नीचे क्या है एक्स, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू भी माइनस वन है तो माइनस का वन डिवाइडेड बाय बी के नीचे क्या है एक्स का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद सी की वैल्यू क्या है टू प्लस का टू डिवाइडेड बाय सी के नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस वन, ठीक है, सी के नीचे एक्स माइनस वन लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये जो था ना ये वाला आंसर, अब ये सारे का सारा आंसर उठा के ना हमने बच्चों इस जगह पर ना ये इस जगह पे पुट कर देगा तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा एक्स प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स का स्केयर प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ये आ गया बच्चों हमारा आंसर।